गाइस जियो ने अपनी 5G सर्विस को इंडिया के हर एक सिटी में लगभग लॉन्च कर दिया है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए कई लोगों को पता ही नहीं है कि वो कैसे जियो 5G सर्विस को यूज कर सकते हैं। तो गाइस यहां पे जियो 5G सर्विस यूज करने के लिए आपको दो चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। एक तो ये कि आपके पास 5G फोन होना चाहिए, तभी आप जियो 5G सर्विस को यूज कर पाएंगे। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका जो मोबाइल है वो 4G है, 5G है, उसमें आप चला सकते हैं या नहीं चला सकते, तो कैसे आपने चेक करना है, मैं आपको ये भी चेक करके बताऊंगा। और दूसरा ये गाइस कि आप जिस सिटी में भी रहते हैं, जिस सिटी से भी आप बिलोंग करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि उस एरिया में जियो 5G सर्विस अवेलेबल है या नहीं है। तो आपको ये कैसे चेक करना है कि जियो 5G सर्विस आपके सिटी में अवेलेबल है या नहीं है, ये भी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। और उसके बाद मैं आपको अपने मोबाइल में जियो 5G एक्टिवेट करके दिखाऊंगा। उसी प्रकार से आपने भी अपने मोबाइल में जियो 5G को एक्टिवेट कर लेना है और आप फिर जियो 5G सर्विस को यूज कर सकते हैं। जियो 5G की आपको स्पीड जो देखने के लिए मिलेगी वो अप टू 1 Gbps तक की होगी। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मैंने जो एक्टिवेट करने के बाद कितनी स्पीड यहाँ पे जियो 5G की मिल रही है। यहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आपको 5G के लिए अलग से कुछ पे करना पड़ेगा या प्लान लेना पड़ेगा। आपको जियो 5G अभी बिल्कुल फ्री देखने के लिए मिलेगा। आपका जो 4G का प्लान है आप उसी को ही आप उसको एक्टिवेट कर लेंगे 5G में, तो 5G सर्विस आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए गाइस फाइनली अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे हमें जियो 5G सर्विस को यूज करना है। तो गाइस सबसे पहले आपने अपने मोबाइल में माई जियो एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे आप माई जियो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, उसके बाद गाइस आपको जब आप अपनी एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे माई जियो एप्लीकेशन को, तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे गाइस हमें अपने जियो को एक्टिवेट करना है, जियो 5G को। तो यहाँ पे हमें इस प्रकार से स्क्रीन पे जो इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा मोबाइल का, तो हमें मोबाइल वाले बटन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे गाइस हमें स्क्रीन पे हमारा मोबाइल नंबर शो करेगा और नीचे हमारा जो प्लान होगा और उसमें कितना डेटा वगैरह बचा हुआ है, कितना हमने यूज कर लिया, वो सब शो करेगा। तो गाइस हमें यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आना है नीचे, और जैसे यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे गाइस, तो यहाँ पे हमें देखने के मिलेगा जियो ट्रू 5G। तो गाइस ये भी आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें जियो ट्रू 5G का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है कि कैसे हमें अपने जियो ट्रू 5G को एक्टिवेट करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बटन नहीं है जिसमें कि हम अपने जियो को एक्टिवेट कर लें, 5G को एक्टिवेट कर लें। तो गाइस अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है 5G कवरेज चेक, और दूसरा ऑप्शन है 5G डिवाइस चेक, और लास्ट एक ऑप्शन जो तीसरा ऑप्शन शो कर रहा है कि नो मोर अबाउट ट्रू 5G। तो गाइस यहाँ पे देखिए 5G को एक्टिवेट करने कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है, जैसे कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि सबसे पहले तो हमारा जो फ़ोन है, जो मोबाइल है, वो 5G होना चाहिए, और दूसरा ये कि हमें पता होना चाहिए कि जिस सिटी से भी हम बिलोंग कर रहे हैं, यानी जिस शहर में, जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ पर जियो 5G अवेलेबल है या नहीं है। तो कैसे हमें जियो 5G को चेक करना है, या कैसे हमें अपने डिवाइस को चेक करना है कि हमारा 5G डिवाइस है या नहीं है, हमारा मोबाइल जो वो 5G है या नहीं है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन जो है उसमें, पहले ऑप्शन में हम चेक करेंगे कि जो हमारे एरिया में 5G अवेलेबल है या नहीं है, और दूसरे ऑप्शन में हम चेक करेंगे कि जो हमारा डिवाइस है वो 5G है और उसके लिए 5G यूज़ करने के लिए कंफर्टेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे एरिया में जियो 5G अवेलेबल है या नहीं है। तो हमें यहाँ पे 5G कवरेज चेक पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे नीचे आपको एक बटन दिखाई देगा सिलेक्ट योर स्टेट। तो गाइस आपने अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आपने हरियाणा सेलेक्ट कर लेना है। तो जिस सिटी के नेम आपको यहाँ पर शो होंगे उस सिटी में जियो 5G अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर और दिखाता हूँ दूसरे एग्जाम्पल पर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, मैं दिल्ली बिलोंग करता हूं, तो आपको दिल्ली सेलेक्ट करना है। जैसे आप दिल्ली सेलेक्ट करेंगे तो यहां पे आपको शो हो जाएगा दिल्ली, तो यानी कि ऑल दिल्ली में जियो 5G अवेलेबल है। तो इस प्रकार से गाइस आपने चेक कर लेना है कि जियो 5G आपके एरिया में अवेलेबल है या नहीं। अब गाइस हमें देखना है कि हमारा जो डिवाइस है वो 5G अवेलेबल है या नहीं, यानी कि उसमें हम 5G यूज कर सकते हैं या नहीं। तो गाइस हमें यहां पर डिवाइस 5G चेक डिवाइस पर हमें क्लिक करना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले आपको बोलेगा कि सिलेक्ट ब्रांड, तो आपके मोबाइल के आपने ब्रांड सेलेक्ट करनी है। तो मेरा जो मोबाइल है वो रियलमी का, मैं रियलमी सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर नीचे आपको सिलेक्ट मॉडल सेलेक्ट करना है। तो मेरा जो मोबाइल का मॉडल है वो रियलमी 9 Pro Plus 5G है। तो ऑलरेडी मुझे पता है कि मेरा मोबाइल जो वो 5G है, फिर भी मैं एक बार आपको चेक करके दिखाता हूँ। जैसे आप चेक करेंगे और आपका मोबाइल 5G के लिए यहाँ पर कंपेटेबल होगा, उसमें आप 5G यूज़ कर सकते हैं, तो वो दिखा देगा कॉन्ग्रेचुलेशन योर डिवाइस इज जियो ट्रू 5G रेडी। तो इस तरीके से गाइस आपने चेक करना है कि आपका डिवाइस और आपके एरिया में जियो 5G अवेलेबल है या नहीं।
तो गाइस ये सिंपल था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमें जियो 5G का ऑप्शन क्यों शो नहीं हो रहा है। तो गाइस हमें यहाँ पे नीचे नो मोर अबाउट जियो ट्रू 5G पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार से स्क्रीन शो होगी। तो गाइस यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा रहा है जियो ट्रू 5G कमिंग सून टू योर एरिया। तो जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया कि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो दिल्ली में ओल्ड दिल्ली में जियो 5G अवेलेबल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे शो कर रहा है कि कमिंग सून टू योर एरिया। तो गाइस नीचे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी विल बी कमिंग सून टू योर एरिया जियो ट्रू 5G ऑन योर जियो नंबर। तो गाइस मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आपके एरिया में भी जियो 5G अवेलेबल है और आपका मोबाइल भी 5G अवेलेबल है, इसके बावजूद भी अगर आपका जियो में 5G एक्टिवेट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो वो कब आएगा और कैसा आएगा? तो जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे कमिंग सून टू योर एरिया दिखा रहा है और आपके मोबाइल नंबर पे भी दिखा रहा है, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा। तो इट मीन्स कि आपके मोबाइल पे अभी जियो ने वो एक्टिवेट करने के लिए ऑफर नहीं दिया है, वो अपग्रेड करने के लिए ऑप्शन या ऑफर उसको सेंड नहीं किया है। तो जैसे आप इस ऑप्शन के थ्रू चेक कर लेंगे अपना आप डिवाइस और आप अपने लोकेशन पे भी देख लेंगे कि जियो 5G अवेलेबल है या नहीं, तो यहाँ पे फिर आपको आपके मोबाइल पे 24 घंटे के अंदर या एक दो दिन के अंदर अंदर यहाँ पे आपको ऑफर देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे फिर कॉन्ग्रेचुलेशन आपको दिखाने लगेगा, कॉन्ग्रेचुलेशन जियो ट्रू 5G आपके नंबर पे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अब मैं आपको एक दो दिन के अंदर ही यानी कि नेक्स्ट 24 आवर के बाद चेक करके आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे मेरे मोबाइल पे इसी नंबर पे जियो 5G ऑफर आया है या नहीं। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अब 24 आवर हो चुके हैं नेक्स्ट डे। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अब मैं चेक करूंगा कि मुझे 5G का ऑफर मिला है या नहीं मिला, यानी कि अब मैं अपने मोबाइल में जो मेरा मोबाइल नंबर है उस पर मैं एक्टिवेट 5G कर सकता हूँ नहीं कर सकता जियो 5G। तो अभी सबसे पहले मैं अपनी माई जियो एप्लीकेशन को ओपन करके चेक करूंगा। तो मैं अपनी माई जियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं अपनी एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूँ। जैसे अब मैं अपनी एप्लीकेशन को ओपन करूँगा यहाँ पे मुझे अपने मोबाइल का जो मेरा मोबाइल नंबर है उसका डेटा यहाँ पे वो नीचे दिखाएगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब आपको ट्रू 5G आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ट्रू 5G यहाँ पे दिखा रहा है मेरे मोबाइल नंबर पे, यानी कि मेरे मोबाइल नंबर पे ऑफर आ गया है 5G में अपग्रेड करने के लिए। गाइस मैं आपको दिखा दूँ सबसे पहले कि आप देखेंगे कि अभी जो मेरा नेटवर्क है फोन का वो 4G में ही चल रहा है। आप देख सकते हैं कि 4G यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पे इसको एनेबल कर लूंगा एक्टिवेट कर लूंगा 5G को, फिर ये यहाँ पे 5G शो करेगा। तो गाइस आपने स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे यहाँ पे आपको दिखाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन। इस तरीके से आप देखेंगे जब आपका मोबाइल नंबर जो होगा आपका जियो का वो 5G में एक्टिवेट हो जाएगा, 5G के लिए अपग्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा कॉन्ग्रेचुलेशन गेट स्टार्टेड का आपको बटन देखने के लिए मिलेगा। तो आपने गेट स्टार्टेड वाले बटन पर क्लिक करना है। जब आप गेट स्टार्टेड वाले बटन पर क्लिक करेंगे फिर ये आपके डिवाइस की कंपेटेबिलिटी चेक करेगा और देखेगा कि सारी चीजें इसमें अप टू डेटेड हैं या नहीं है सॉफ्टवेयर वगैरह। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि इज योर हैंडसेट ऑन द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन। तो अगर आपका एंड्रॉइड जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो रखा है तो आप उसको अपडेट आई अपडेटेड वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। अगर वो अपडेट नहीं है तो आप उसको अपडेट नाउ करके पहले अपडेट कर लीजिए। तो मेरा सॉफ्टवेयर वगैरह जो है सारे अपडेटेड है, तो मैं यहाँ पर आई हैव अपडेटेड पर मैंने क्लिक कर दिया कि मैंने ऑलरेडी अपडेट कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर दिखाएगा हैंडसेट 5G सेटिंग। तो अब आपको अपने मोबाइल में जाके सेटिंग में जाके 5G की सेटिंग करनी है। तो आप यहाँ पर गो टू सेटिंग वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। सिंपली आप सेटिंग्स में पहुंच जाएंगे। जैसे आप सेटिंग्स में जाएंगे यहाँ पर आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपने यहाँ पर जाना है मोबाइल नेटवर्क में। जब आप मोबाइल नेटवर्क में जाएंगे आपका मोबाइल यहाँ पर शो कर रहा होगा सिम। किस हर फोन का ये थोड़ा इंटरफेस अलग होता है, तो आप यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा किस ऑप्शन में जाना है। तो मैं अभी अपने मोबाइल नंबर पे क्लिक करूंगा यहाँ पे। जब आप अपने मोबाइल नंबर में जाएंगे तो यहाँ पे गाइस आपने सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे कि आपका जो ये जी ऑपरेटर है वो क्या है। तो ऑपरेटर को आपने सिलेक्ट करना है। इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं इसको। ये कई बार ऑटो सिलेक्ट भी होता है, मैनुअल सिलेक्ट भी होता है, तो आपने देख लेना है। जैसे कि अगर आपका ये ऑटो सिलेक्ट है तो यहाँ से आप इसको ऑटो सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप ऑटो सिलेक्ट हो रखा होगा, तो अगर आप इसको ऑटो सिलेक्ट हो रखा ऑलरेडी तो आप इसको मैनुअल कर दीजिए, इस तरीके से ऑफ कर दीजिए। फिर यहाँ पे ये 5G और 4G आपको दिखा देगा कि आपका अवेलेबल नेटवर्क कौन सा शो कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो अभी ये 4G नेटवर्क दिखा रहा है, आप देख सकते हैं कि 4G नेटवर्क दिखा रहा है और 4G सिलेक्टेड है। तो हम इसको एक बार बैक करेंगे। अब यहाँ पे आपने प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप पे क्लिक करना है। आप देखेंगे प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपका 4G 3G 2G अब सिलेक्ट हो रखा है तो आपने इसको 5G सिलेक्ट कर लेना है। तो 5G 4G जैसे आप सिलेक्ट करेंगे फिर नीचे यहाँ पे आप देखेंगे जियो ऑपरेटर जहाँ पे लिखा आ रहा है आपने इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे सर्च होकर ये आपको दिखाने लगेगा 5G। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जियो ट्रू 5G यहाँ पे अब इसने दिखा दिया है, सर्च होकर यहाँ पे आ गया है। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है।
तो यहाँ पे जैसे आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो ये 5G यहाँ पे एनेबल हो जाएगा, 5G की सेटिंग भी हो जाएगी हमारे फ़ोन की। तो गाइस अब आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अब यहाँ पे आपको 5G शो करने लगेगा, तो आपका 5G नेटवर्क यहाँ पे एक्टिवेट हो गया और 5G नेटवर्क भी यहाँ पे आपको शो कर रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पे 5G आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से गाइस आपने अपने मोबाइल में डिवाइस में सेटिंग्स में जाकर इसको एनेबल कर देना है। तो अब गाइस हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं इसकी स्पीड, तो अब मैं आपको यहाँ पे स्पीड टेस्ट में दिखाता हूँ इसकी कितनी स्पीड आ रही है। तो आप यहाँ पे स्पीड टेस्ट लिखेंगे और इस तरीके से आप स्पीड टेस्ट कर सकते हैं कितनी MBPS या GBPS की स्पीड देखने के लिए मिलेगी। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ मैं, आपके सामने दिखा दूंगा। तो कई बार स्पीड क्या होता है नेटवर्क के ऊपर भी डिपेंड करता है कितनी रेंज आ रही है नेटवर्क की, तो उस तरीके से भी अप डाउन हो जाती है। 262.5 MBPS की डाउनलोड स्पीड आ रही है और यहाँ पे अपलोड स्पीड अभी ये बहुत ही लो दिखा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी ये अपलोड स्पीड भी दिखाएगा। तो आप देख सकते हैं गाइस कि अभी जो इसकी स्पीड टेस्ट मैंने किया 262.5 यहाँ पे MBPS स्पीड आ रही है डाउनलोड और 8.70 MBPS स्पीड है इसकी अपलोड की। तो गाइस यहाँ पे स्पीड अभी बहुत ही कम आ रही है, एक बार हम दोबारा से फिर से टेस्ट कर लेते हैं। ये आप देखेंगे इस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्पीड इसकी कम बढ़ती होती रहती है, जैसे कि आपको पता ही होगा, आप अभी टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको स्पीड कम बढ़ती यहाँ पे हो सकती है क्योंकि नेटवर्क का इशू वगैरह होता है, थोड़ा बहुत कम रेंज आ रही है कैसे आ रही है। तो बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी जो है इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी, मतलब 300 MBPS की लगभग स्पीड आ रही है और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डाउनलोड स्पीड है वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी और अपलोड स्पीड भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस तरीके से गाइस आपने अपने फोन में 5G को एक्टिवेट कर लेना है। तो आई होप कि आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस समझ आ गया होगा। गाइस अगर आपको अभी भी इसमें कोई कंफ्यूजन है या आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और गाइस अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।